क्लॉटिंग फैक्टर्स या आप कह सकते हैं कोएगुलेशन फैक्टर्स को याद कैसे रखा जाएगा? तो आपने एक ट्रिक याद रखने से कहते हैं, फ्रेशर पार्टी टुडे कम ऑन लेट सिंग्स एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन। फ्रेशर्स को अपन कह सकते हैं फिब्रिनोजन, पार्टी को अपन कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन। टुडे से बनेगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन और कम ऑन से बनेगा आपका कैल्शियम। लेट्स मतलब लेवल फैक्टर्स और सिंक से आपका बनेगा स्टेबल्स फैक्टर एंड मतलब एंटी हेमरेजिक फैक्टर और यहाँ पे कॉल से बनेगा आपका क्रिसमस फैक्टर। उसके बाद में सीनियर्स से बनेगा स्ट्रेस पावर फैक्टर। प्लीज से बनेगा पीटीए प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। यस इसके बाद में आपका बनेगा हैव से बनेगा हैंगमन फैक्टर। उसके बाद फिब्रिन स्टेबिलिटी फैक्टर बनेगा फन से बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि टोटल क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं। आपने बोला है फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेवल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी हेमरेजिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर या स्टेट पावर फैक्टर, पीटीए, हैंगमन फाइन या फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच।